मेड इन इंडिया 100 करोड़ की लागत से बनी है ट्रेन, चेन्नई में बनी है और 100 करोड़ की लागत में ये बहुत अच्छा और सस्ता माना जाता है कि 16 डिब्बे उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिए 100 करोड़ की लागत में। वो ऑटोमेटिक, क्या बात है। ड्राइवर से बात कर सकते हैं आपका? अरे वाह, अपने आप खुल रही है। सो गाइस, अब आप देखेंगे ट्रेन 18 का कैबिन, इट इज बेटर देन द एयरक्राफ्ट कैबिन। पूरा जहाज है, जहाज, ये देखो, लिटरली इट्स सो गुड। मतलब इतनी ज्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है ना। और क्या है, लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, कितना सारा स्पेस है। सी, बैठ के देख बेटा, बैठ के ये देखो। ओ भाई साहब, मैं तो एक बंदा लटा दूं यहां पे ऐसे ऐसे। सो दिस इज अ, ये मतलब हर कोच की पेंट्री उसी कोच में, हर कोच की पेंट्री। पहले पैसेंजर आप क्या बोलना चाहेंगे? इज वेरी कम्फर्टेबल और खासकर जो एजेड लोग हैं उनके लिए बहुत बच्चा है ये। अच्छा है ना, पीछे बैक में जो कर्व का ध्यान रखा गया है वो भी रखा गया है, प्लस सीट में जो आपकी ये कुशन है, ये वाला एयरक्राफ्ट वाली सीट्स की तरह ही है। बंद करो एक बारी, ये सर्विस करने के लिए। अरे वाह, बस ये पॉकेट दिया हुआ है। अरे वाह, तो पूरा जहाज ही बना दिया पूरा। और ये बॉटल वगैरह रखने के लिए फुट रेस्ट है। अरे वाह, बंद है अभी, टच बेस्ड है, बहुत रिकॉर्ड टाइम में बनी है। ओह, टच पापा, टच बेस्ड है। टच टच है, टच है। ग्लास विंडोज में व्यू भी कितना अच्छा आएगा। और ये देखो यहाँ पे भी कैमरे हैं, कैबिन में भी कैमरे लगे हुए। हर सीट का मोबाइल चार्जिंग है, ब्लैक कलर के नीचे जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट देना। अच्छा, ये इट्स लाइक प्रीमियम सीट्स, फैमिली अगर है आज सामने, आमने सामने बैठे हो, यहाँ पे अपना खाना लगाया, ट्रे लगा के पिकनिक। वाह, ये भी खुल जाता है, तो आपको दिखा दो लैब कैसी है। सर वाटर फ्री है ना लैब अपनी? वाटर नहीं है ना इसमें, बायो फ्लश, वैक्यूम फ्लश, एयरक्राफ्ट वाली बिल्कुल। बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया यार, यहाँ देखिए पूरा वैक्यूम सिस्टम लगा है। यहाँ पे बोलते हैं कि स्मोक डिटेक्टर भी है, क्योंकि अगर आप सिगरेट पियेंगे तो ये स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है। तो बहुत लोग जो नशेड़ी होते हैं जो ट्रेन में यहाँ पे मजे करते हैं। कोच में जो ट्रांजिशन है एक कोच से दूसरे कोच, बहुत ही ज्यादा सीमलेस है। तो मैं खड़ा हूँ इस तरफ, मानस खड़े कोच के उस तरफ, और सीमलेस ट्रांजिशन है। इनको जो कोच का डिवाइडर है उसको कवर कर दिया गया है। और बाहर से आपको दिखाता कैसा होता है। सरप्राइज, ये जो कोचेस को ज्वाइन किया गया ये भी टर्बुलेंस कम होता कि इसको फ्लश किया गया, और अंदर से पता ही नहीं चलता, झटके भी कम आए इससे, और अंदर से पता ही नहीं चलता कि आपका केबिन पास हो गया। ये सेंसर वाले, अरे वाह, इससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी। अपनी जो नॉर्मल ट्रेन है वो ऊपर करना पड़ता है उसको। अब उसमें ऊपर का नॉर्मल ट्रेन में तो साइड से पानी गिरता है उसमें। एक साइड में वेस्टर्न, एक साइड में इंडियन है। स्टेशन पे, स्टेशन को चारों तरफ से बंद करेंगे जैसे एयरपोर्ट पे होता है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? हाँ, सिक्योरिटी। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इसके एग्जीक्यूटिव क्लास में, ट्रेन 18 के, जिसकी की सीट्स रिवॉल्विंग है वो दिखाएंगे आपको। सो दिस इज द वॉशरूम ऑक्यूपेंसी, अगर खाली होगा तो ग्रीन हो जाएगा। हर कोच के लिए अलग से डस्टबिन है, कूड़ा इधर नहीं फेंकेगा, कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, मूंगफली खा के यहीं फेंकेंगे सब लोग, कोच में कोई नहीं फेंकेगा। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव क्लास। नॉर्मल क्लास में कॉन्फ़िगरेशन थी तीन सीटें, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 2 सीटें और 2 सीटें। कैसा है आपका रिव्यू एग्जीक्यूटिव क्लास? बिजनेस क्लास। जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप एक दूसरे को फेस करना चाहते हो, तो ये यू कैन जस्ट रिवॉल्व इट। ये देखो, अरे बैठो अपना आराम से, ये अपना हो गया पिकनिक है, अगर फैमिली के साथ बैठ जाओ। एग्जीक्यूटिव क्लास में चार्जिंग पोर्ट आपके साइड में लगे हुए। वाह, स्पीड ये है, ये वो है, अरे वाह। ट्रेन 18 है, पूरा पीछे तक दिख रहा है कॉरिडोर, थ्रू कॉरिडोर, और ये इस साइड का पूरा थ्रू कॉरिडोर। भाई मजा आ गया, हाथ ऊपर करके जाएंगे अपने आप। फर्स्ट कोच में जो इंजन के साथ है, दे हैव मेड अ स्पेशल स्पेस फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। अब जा रहे हैं इंजन में, स्टीम इंजन में अंदर चले जाओ तो बिना कपड़े गंदे के नीचे नहीं उतर सकते। ये तो मेट्रो की तरह है। ओ अच्छा, पूरे ट्रेन में जाएगा ये, पूरे ट्रेन में जाएगा। सिंगल मिला, ये पायलट यहाँ से देख सकता है किसी भी डिब्बे की, किसी भी डिब्बे में जाएगा। अरे तब प्राउड क्यों फील हो रहा है, इट्स ऑल मेड इन इंडिया।